जब भी हम इस धरती पर जन्म लेकर आते हैं तो हमारा कोई ना कोई उद्देश्य होता है, और प्रभु ने हमें ऐसी शक्ति और गुण दिए हैं जिससे हम उन उद्देश्यों को बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि उनको खोजना आवश्यक है। तो आज के इस ध्यान में हम यही जानेंगे कि कैसे हम अपने जीवन के उद्देश्यों को पहचानें और फिर उनको पूरा करने के लिए अपना पूरा प्रयास करें। तो आइए दोस्तों, ध्यान शुरू करते हैं। आप जहाँ भी जैसे भी बैठे हैं बिल्कुल सुखासन में बैठ जाएं, हाथों को हाथों में डाल लीजिए और पैर क्रॉस कर लेंगे और आँखों को धीरे से बंद कर लीजिए और सिर्फ अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस को महसूस करें। जब भी हम ध्यान में बैठें, अपने आप से ये सवाल करें कि क्यों आई हूँ मैं इस धरती पर और क्या है मेरे जीवन का उद्देश्य। इन सवालों के जवाब ध्यान में अपने आप मिल जाते हैं। हमें किस काम को करने में सबसे ज़्यादा खुशी महसूस होती है और किस काम को हम बहुत ही सरलतापूर्वक बिना किसी तनाव के कर पाते हैं। कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको करते समय हमें समय का भी एहसास नहीं होता और हम बहुत ही खुशी खुशी वो काम पूरा कर लेते हैं और हमें किसी थकान का अनुभव भी नहीं होता। जैसे किसी किसी को नेचर के साथ बहुत अच्छा लगता है, उनको बागवानी करना पसंद है, किसी को संगीत का शौक होता है, किसी को नृत्य करने का शौक होता है, किसी को दूसरों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है, वो हर समय किसी की भी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। किसी किसी को दूसरों को खाना खिलाने में बहुत खुशी होती है। कोई एक अच्छा कलाकार बनना चाहता है, कोई खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, किसी को डॉक्टर बनना पसंद है, किसी को इंजीनियर या फिर किसी को एस्ट्रोलॉजर बनना अच्छा लगता है, तो किसी को म्यूजिशियन। तो इसी तरह से दोस्तों, हम अपने आप को जान सकते हैं कि हम क्या सीखने और क्या करने इस धरती पर आए हैं।
और इसको जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक कागज़ और पेन ले लें और उस पर आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आप इस अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं, जो भी आपको लगता है कि ये मेरे जीवन का उद्देश्य है, उसको आप एक कागज़ पर लिख लें। जैसे ही हम यह काम करते हैं तो यूनिवर्स हमारी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। एक आम आदमी के मन में प्रतिदिन लगभग 60,000 विचार आते हैं, और जब हम एक कागज़ पर अपना लक्ष्य लिख देते हैं तो हम अपने ब्रेन को यह संदेश भेजते हैं कि यह एक विचार बाकी उन सब विचारों से महत्वपूर्ण है, और तब हमारा दिमाग एक मिसाइल की तरह काम करना शुरू कर देता है, हर तरह की संभावनाओं की तलाश करना शुरू कर देता है हमारे उस लक्ष्य को पूरा करवाने के लिए। दोस्तों, यह एक बहुत ही साइंटिफिक टेक्निक है जिसका हम सबको पता नहीं है। हमारा ब्रेन एक बहुत ही शक्तिशाली कंप्यूटर है। जो चीज़ हमारे काम की नहीं है उसको ये हमारे जीवन से निकाल कर अलग कर देता है, और जो हमें जीवन में चाहिए सिर्फ उसी दिशा में यह काम करना शुरू कर देता है। लेकिन शर्त ये है कि हम इसको यह संदेश भेजते रहें कि हमें क्या चाहिए। प्रतिदिन ध्यान करते हुए अपने आप से यही सवाल पूछें कि क्या है मेरे जीवन का उद्देश्य। आपकी अंतरात्मा से इस बात का जवाब आपको ज़रूर मिलेगा, चाहे किसी भी माध्यम से आपको यह संदेश मिले। बस आपको पूरी अवेयरनेस में रहना होगा।
इसीलिए हमें ध्यान प्रतिदिन करना चाहिए, जिससे हम अपनी जागरूकता को बढ़ा सकें और यूनिवर्स से मिले हुए संदेशों का मतलब समझ सकें। अब जब आपको एक बार अपने जीवन का लक्ष्य समझ में आ जाए तो पूरे उत्साह के साथ उस दिशा में काम करना अत्यंत आवश्यक है। अगर आपको कोई एक बड़ा लक्ष्य समझ में ना आए तो पहले आप अपने लिए छोटे छोटे गोल्स भी सेट कर सकते हैं। छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करके फिर आप अपने आप को एक बड़े लक्ष्य के लिए तैयार कर सकते हैं। याद रखिए, हजारों मील की यात्रा भी सिर्फ एक कदम से ही प्रारंभ होती है। आप जो भी अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं उसकी एक तस्वीर अपने मानस पटल पर बनाएं, उसको पूरा होते हुए देखें। मान लीजिए आप एक अच्छा क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो आप अपने मस्तिष्क में सचिन तेंदुलकर की एक तस्वीर देखें कि मैं उसकी तरह बनना चाहता हूँ। जिसको आप अपना आदर्श मानते हैं उसकी तस्वीर अपने मन में देखना शुरू करें। अपने मन में किसी चीज़ की कल्पना करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।
जो भी आप अपने जीवन में बनना चाहते हैं या जो भी आप अपना लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं उसका सबके सामने ऐलान कर दें। इससे आपके ऊपर एक सार्वजनिक दबाव बन जाएगा और आप उस दिशा में अपना पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि सबके सामने कोई भी असफल नहीं होना चाहता। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने लिए एक समय सीमा भी निर्धारित करें।
जब हम किसी काम को पूरा करने के लिए एक टाइम सेट करते हैं तो हमें उस तरफ काम करने के लिए एक दिशा मिल जाती है और हम उसे ज़्यादा आराम से पूरा कर पाते हैं। जब कोई नए ध्यानी ध्यान करना शुरू करते हैं तो हम उनको कहते हैं कि आप 40 दिन तक लगातार 1 घंटा ध्यान करिए। ये 40 दिन उनके लिए एक समय सीमा तैयार की जाती है जिससे उनको यह पता लगता है कि मुझे 40 दिन तक यह काम करना है और वो उसको पूरा करने में सफल हो जाते हैं।
रॉबिन शर्मा, जो द मॉन्क हू सोल्ड हिज़ फरारी किताब के लेखक हैं, उन्होंने भी अपनी किताब में एक टेक्निक बताई है कि एक गुलाब के फूल को आप 21 दिन तक लगातार देखते रहें। इक्कीस दिन तक यह काम करने से यह आपकी आदत बन जाएगी। इसलिए किसी भी काम को पूरा करने के लिए एक समय सीमा ज़रूर निर्धारित करें।
अपने हर काम को पूरे उत्साह के साथ करें। यह उत्साह एक शक्तिशाली ईंधन की तरह काम करता है। हर सुबह जब भी हम सोकर उठें, एक एनर्जी के साथ अपनी सुबह का शुरुआत करें। अगर हमारे अंदर किसी काम को करने का उत्साह ही नहीं होगा, तो उस काम को करने में कोई आनंद भी नहीं आएगा। अतीत में हमारे साथ जो भी कुछ हुआ है, उसके पीछे भी कोई ना कोई उद्देश्य होता है। कोई भी काम कभी बेवजह नहीं होता, इसलिए किसी भी बात का पछतावा ना करें। अपनी असफलताओं से भी हम कुछ ना कुछ सीखने के लिए ही आए हैं। कभी भी अपनी तुलना किसी से ना करें। ना हम किसी से कम हैं, ना ही हम किसी से ज़्यादा हैं। सब अपने आप में पूर्ण हैं। सभी अपने जीवन से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में जो हासिल करना चाहते हैं, वो हमें नहीं मिल पाता, तो इसकी वजह हम किसी और को मानने लगते हैं। किसी इंसान को या परिस्थितियों को हम दोष देते हैं कि इसकी वजह से मैं अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर सका। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई नहीं है जो हमें रोकने का साहस कर सके। हम खुद ही वो इंसान हैं जो अपने आप को आगे बढ़ने से रोक देते हैं। अपने अंदर झांकें और यह जानने की कोशिश करें कि वो कौन सी चीज़ है, कौन सा हमारे अंदर डर है, कौन सी असुरक्षा की भावना है,
जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने से रोक रही है। और यह भी ध्यान के माध्यम से ही संभव है। ध्यान में अपने आप से सवाल करें। हर प्रश्न का उत्तर ध्यान में अपने आप मिल जाता है।
ध्यान ही एक ऐसी शक्ति है जो हमें अत्यंत ऊर्जा से भर देती है। और ध्यान की इस ऊर्जा से हम अपने कामों को आसानी से पूरा कर पाते हैं। बहुत सुंदर ध्यान हम सब कर रहे हैं। सामूहिक ध्यान 3 गुना अधिक शक्तिशाली होता है, जो हमें और अधिक ऊर्जावान बना देता है। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा लगाएं, जिससे मरते समय हमें यह पछतावा ना हो कि जिस काम के लिए हम इस धरती पर आए थे वो हम कर ही नहीं सके, हमने अपना जीवन व्यर्थ गंवा दिया। इसलिए हमेशा अपने लक्ष्यों को पहचानने के लिए और उनका पूरा करने के लिए कोशिश करते रहें। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हम किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हैं। ये जीवन बहुत सुंदर है दोस्तों, और ध्यान के माध्यम से हम इसे और भी खूबसूरत बना सकते हैं।
ध्यान के अंदर अपने भीतर जाएं और यह जानने की कोशिश करें कि हम कौन हैं, क्यों आए हैं इस धरती पर और क्या है हमारे जीवन का उद्देश्य। लास्ट 5 मिनट्स। लगातार अपनी सांसों की ऊर्जा को महसूस करें। हम सब शक्तिशाली आत्माएं हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें प्रभु ने इतनी शक्ति और इतने गुण दिए हैं कि हम अपने लक्ष्य को बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, हम धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। अपने हाथों को, पैरों को और अपने शरीर को महसूस करना शुरू करें।
वो अपने हाथों को खोलते हुए धीरे धीरे 5 सेकंड के लिए अपनी आँखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। वो अपनी हथेलियों के बीच में ही अपनी आँखों को धीरे धीरे खोलते हुए हम अपने चेहरे को प्यार से सहलाएंगे और अपने ध्यान के लिए हम क्लैप करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सबका हमारे साथ इस ध्यान में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।